आज ही फिनिश करते हैं फैक्टराइजेशन। तो लास्ट टाइम तक हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, किसी क्वेश्चन में डाउट है बोलो आप लोगों को। लाइक लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। तो इसमें एक मेथड ये होता है कि आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो, एंड इन सब क्वेश्चंस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज नॉट पॉसिबल, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन 2a. टू ए। हाँ, एनी डाउट? नो सर, नो लाइक सर, दिस क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, हियर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज नॉट पॉसिबल, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। हियर क्लियरली व्हाट इज ए कोफिशिएंट ऑफ, अरे यार करो एक्स कुछ, व्हाट इज ए हियर एजियर वन वन, व्हाट इज बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 4 माइनस -4 फोर एंड सी -4 इज कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट 2 2 साइन इन दिस एक्सप्रेशन। सो माइनस बी, माइनस ऑफ माइनस फोर इज, +4 +4 हाँ, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर इज, व्हाट इज माइनस फोर स्क्वायर, 16 माइनस फोर इंटू वन इंटू टू, सो व्हाट इज फोर इंटू वन इंटू टू, -8 -8 हाँ 16 माइनस एट,8 8 एंड एट इज फोर इंटू टू, यस और नो, यस सर एंड स्क्वायर रूट ऑफ फोर इज टू, सो दिस इज टू रूट टू, सो यू कैन राइट फोर प्लस माइनस टू रूट टू अपॉन टू, नाउ टेक टू कॉमन, दिस एक्सप्रेशन विल बी टू प्लस माइनस रूट टू, टू एंड टू कैंसिल, सो वन सॉल्यूशन इज टू प्लस रूट टू एंड द सॉल्यूशन इज, माइनस रूट टू हाँ एनी डाउट? नो सर ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस हो गए थे कंप्लीट। सर हाँ बोलो। टुमारो कैन यू एक्सप्लेन सम ऑफ द प्रॉब्लम्स लाइक क्वेश्चंस दिस वर्ड प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स वर्ड प्रॉब्लम्स ओके वर्ड प्रॉब्लम्स, ओके ठीक है, लाइक दिस क्वेश्चन, हाँ या ओके सो दिस क्वेश्चन वाज लाइक द एज ऑफ फादर इज इक्वल्स द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ द सन। ठीक है, तो लेट से एज ऑफ सन है एक्स, क्लियरली एज ऑफ फादर इज, स्क्वायर ठीक है, द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड फाइव टाइम्स द एज ऑफ, सन सो एक्स का फाइव टाइम्स इज फाइव एक्स, फाइव एक्स एज ऑफ फादर इज एक्स स्क्वायर एंड एक्स समेशन गिवन एज, 66 हाँ नाउ यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक 66 ऑन द लेफ्ट साइड, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस -66 इज इक्वल टू एक्स जीरो। स्क्वायर हाँ इजिकल टू हाँ, जीरो नाउ इजीली वी कैन स्प्लिट द मिडिल टर्म बिकॉज वी नीड मल्टीप्लीकेशन 66, यस और नो? यस ठीक है, सो यू कैन राइट 11x माइनस, सिक्स एक्स माइनस सिक्सटी ठीक है, सिक्स एंड फाइनली एक्स इज इक्वल टू सिक्स एंड एक्स इज इक्वल टू, -11 हाँ अभी ये बताओ ए इज माइनस इलेवन होता है क्या? नो ठीक है, सो क्लियरली एक्स इज इक्वल टू सिक्स, 11 बेटा सिक्स, सिक्स 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 हाँ, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एज ऑफ फादर नॉट सन। पांच यार ये क्वेश्चन थोड़ा केयरफुली रीड करना, लाइक देयर इज पॉसिबिलिटी कि ऑप्शन ए इज सिक्स, हाँ लेकिन आपको सिक्स टिक नहीं करना है बिकॉज सिक्स स्क्वायर इज, 36 हाँ सो फाइनल आंसर विल बी थर्टी नॉट सिक्स सिक्स बट द फाइनल आंसर इज, 36 ठीक है, देन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में डाउट है बोलो, हाँ यस सर चलो ये क्वेश्चन फिर से सॉल्व करते हैं। देखो काफी इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं होते हैं ये सब चीजें, थोड़ा केयरफुली सॉल्व करो इन क्वेश्चंस को, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, कॉन्फिडेंस जस्ट इतना सर कि योर यार ये इजी, वॉइस इज ब्रेकिंग हाँ ये इजी क्वेश्चन है, मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? यस सर बिंग स्लो ओके, सो क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ अ बोट
in still water is 15 km per hour, it can go 30 km upstream and downstream to the original point in 4 hours 30 minutes. Find out the speed of the river. ठीक है. So let's say ये river flow है left to right, and this we have to find out. Let's say this is v kilometer per hour. ठीक है, ये speed of river है ना, speed of river. Yes. Done. Now speed of boat in still water is 15 km per hour. ठीक है. Now it can go 30 km upstream. Let's say original point है this. अच्छा, what is upstream? Going against the flow. हाँ, against river flow. And what is downstream? Along river. Along the river. ठीक है, ठीक है. ओके. अभी मेरे को एक सिंपल पॉइंट ये बताओ. लेट्स से स्पीड ऑफ बोट है 15 किलोमीटर पर आवर और ये अपस्ट्रीम मूव कर रहा है. देन इट्स स्पीड विल बी 15, 15 प्लस वी और 15 माइनस वी. 15 माइनस वी. इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो. नो सर. देखो यार, काफी सिंपल कंसेप्ट है. लाइक उसका अपना पावर है 15 और रिवर इसे पुश करेगा v से, तो रिजल्टेंट कितना आएगा बोलो? माइनस बी. 15 माइनस बी, इसमें कोई डाउट? नो. ठीक है, ठीक है. एंड दिस इज डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम स्पीड विल बी 15 और 15 प्लस बी और 15 माइनस बी. 15 प्लस वी. हाँ, इसमें कोई डाउट? नो सर. नो. ठीक है. एंड दिस डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर. गिवन है आपको यहाँ पे 30 किलोमीटर? यस सर. हाँ, ओके. एंड टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यस और नो? यस. सो दिस टाइम इज 30 किलोमीटर अपॉन 15 माइनस बी. दिस टाइम इज 30 अपॉन 15 प्लस वी. डन. एंड टोटल टाइम इज 4 hours 30 minutes is half an hour. Yes or no? Yes sir. So total time is 4.5 hours. इसमें कोई डाउट है? बोलो. No sir. T1 is 30 upon 15 minus b. T2 is 30 upon 50 plus b is equal to 4.5. 4.5 can be written as 45 upon 10. इसमें कोई डाउट? No. No. Now you can cancel with 5. 2 times and 9 times. Any doubt? In a point. ठीक है. Now we can take common 3. So 3, 10 times 3, 10 times and 3, 3 times. इसमें कोई doubt बोलो? No. So now remaining expression is 10 upon 15 minus b plus 10 upon 15 plus b is equal to 3 upon 2. ठीक है, डन. नाउ देखो, ये एक्सप्रेशन अभी ऐसे ही है, लाइक 2 upon 3 plus 5 upon 7. तो ये कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर सेम क्रिएट करते हो? यस. एंड यू विल मल्टीप्लाई 7 upon 7 एंड दिस 3 upon 3. यस और नो? यस. सो नाउ वी टेक एलसीएम 21. दिस इज 2 into 4 14. 5 into 3 15. In the same way, this is 10 upon 15 minus b. You will multiply and divide with 15 plus v. And this expression, divide and multiply with 15 minus v. Now denominator is same. And LCM is 15 minus b into 15 plus v. इसमें कोई doubt है? बोलो. No. ठीक है. Now this is 10 times 15 plus b. So 10 into 15? 150. 10 into v? 10v. 10 into 15? 150. 10 into v? Minus 10v. Is equal to? 3 upon 2. 10v, 10v cancel. Any doubt? No. No sir. 150 plus 150? 300.
upon. This is one. Like a plus b into a minus b. Yes or no? Yes. So yes, what is a plus b into a minus b? A square minus b square. Minus b square. Okay. What is 15 square? 225. And what is b square? 9. V square. V square to V square ही होता है. V square. ठीक है. So अभी ये expression आ गया है यहाँ पर 300 upon 225 minus V square is equal to. You can cancel this 100 times. Yes or no? Yes. Yes sir. Now cross multiplying 100 into 2. 200. Equal to. 25 minus v square. Now using transposition, take this minus v square on the left side and this 200 on the right side. So when transposition karte hai na, sign will get changed. So minus v square will become plus v square. 225 minus 200. 25. So v is equal to 5 kilometer per hour. So this is the final answer. अभी clear हो गया doubt बताओ. Yes sir. Okay. Now any doubt? Yes sir. ठीक है. Next question was this. ये भी but try कर लेते हैं. This is the problem here. So question was, the numerator of a fraction is one more than its denominator. Huh. So fraction can be considered as, suppose denominator hai x, then numerator clearly x plus 1. Huh. Abhi further it. If it's reciprocal, it subtract it from it. So what is its reciprocal? X upon x plus 1. And difference is given. How much? 11 upon 30. ये equation है. अब यार ये तो काफी simple equation है ना, easily solve करोगे इसे. X plus 1 upon x. Divide and multiply with. X plus 1. ठीक है, main purpose is to create same denominators. ठीक है, divide and multiply with x upon x. X by x. Now you can clearly see here denominator is same. हाँ बोलो. Sir, I did not understand this step. Which one you did just now? This step. Yes, sir. What is the doubt here, बोलो. Sir, we had the minus sign. Then how did we get multiplication signs in between? अच्छा ये बताओ डिनोमिनेटर सेम. सुनो सुनो, लाइक 2 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 7, हाउ यू विल सॉल्व इट? फर्स्ट वी विल सर्च एलसीएम ऑफ 3 एंड 7. ठीक है, सो डिवाइड मल्टीप्लाई विथ. हाँ ओके ओके, हाँ अंडरस्टूड. सो देन वी विल हैव टू. क्लियर? यस सर. हाँ बट इट सेम है, एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्ट सेम. ओके. In the same way, multiply and divide with x plus 1 and this multiply and divide with x. X. Now, denominator is? X. X plus 1. X into? X plus 1. X plus 1. X plus 1. Huh. And numerator is x plus 1 into x plus 1. So, x here. Plus 1. Whole square? Square. And what is x into x? X square is equal to 11 upon 30. ठीक है. Now you can observe this is a square minus b square. Yes or no? Yes sir. What is a square minus b square? A plus b multiply with a minus b. A minus b. So what is x plus 1 plus x? 2x plus 1. And what is x plus 1 minus x? 2x minus 1. 2x minus 1. अरे नहीं यार बेटा, x और x cancel, only 1. Clear? Yes, yes sir. Okay.
x into x, x square, x into 1, x is equal to 11 upon 30. Now cross multiplication. 30 times 2x plus 1 is equal to 11 times x square plus x. This one can be removed here, na? Like 5 into 1. Multiplication mein 1 koi difference create nahi karta. Samajhte ho na? Yes, sir. Yes, sir. Theek hai. Now 30 into 2, 60x. 60x plus 30 into 1. 11 is equal to 11x square plus. Now using transposition, take these two terms on the right side. You will get 11x square plus 11x minus 60x minus 30 is equal to 0. Okay. Now 11x square, 11x minus 60x, 49x minus 30 is equal to 0. Now splitting the middle term and multiplication should be 11 into minus 30. This is minus 330. Again, yara formula bhi use kar sakte hain yahan pe, formula bhi chalta hai. Formula bhi use karoge, x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac under root upon minus 55 plus 6x. Theek hai, so it is minus 55x plus 6x. Now you can take 11 common, yes or no? Yes. Remaining is x minus? Minus 5. 5. So take 6 common. Remaining is? X minus 5. X minus 5. Is equal to? 0. 0. Now this is 11x plus 6 into? X minus 5. Is equal to? 0. 0. So either x minus 5 is equal to 0 or 11x plus 6 is equal to 0. X is equal to? 5. And here x is equal to minus 11. But clearly x should be an integer. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So, idhar likhta hu main yahan pe. Finally, fraction is 6 x plus 1 upon x. Yani ki 6 upon. This is the final answer. Any doubt? No, sir. क्लियर हो गया ना आप लोगों को? Yes, sir. Okay. So moving on the next question, next example लेते हैं. अच्छा आप लोगों को ये पता है ना area of square क्या होता है? ये side into side. हाँ, basically side square. Side square. ठीक है. So solve this question. A and B are squares. Side of this is x and side of this is root x. Total area is 30. You have to find out the value. Find perimeter. Nahi, perimeter hai. Find the value of x. This is first question. Second question, find total perimeter. Karo, try karo, ek baar dekhte. सर, x की वैल्यू 6 है
वैल्यू ऑफ x इज 6 द 6 तो पॉसिबल ही नहीं है वैल्यू ऑफ x इज 5 हां ये करेक्ट आंसर है क्लियरली वैल्यू ऑफ x इज 5 सो एरिया ऑफ पोर्शन इन x into x यानी बोलो x square ठीक है एंड एरिया ऑफ पोर्शन बी साइड स्क्वायर साइड इज रूट एक्स एंड रूट एक्स स्क्वायर इज x एनी डाउट डू एनी वन स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट इन दिस ओके टोटल एरिया Total area is equal to x square plus x is equal to 30. Okay. Now using 30. transposition, take 30 on the left side, you will get this. Yes or no? Yes. Simple, काफी simple है. Now splitting the middle term. Multiplication should be 30. Minus 30. So we should write, बताओ. माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स क्या बोल रहे वी कैन यूज फॉर्मूला आल्सो 100% 100% यू कैन यूज द फॉर्मूला आल्सो यू विल गेट सेम आंसर्स एक्स कॉमन एक्स प्लस सिक्स माइनस फाइव कॉमन एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो नाउ यू कैन टेक एक्स प्लस सिक्स कॉमन रिमेनिंग इज एक्स माइनस फाइव So either x plus 6 is equal to 0 or now x is equal to minus 6 and x is equal to 5. We can use formula also problem. Like here a is 1, b is also 1 and c is C is minus 30. Minus now 30. Formula kya hai bolo? X is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2 upon 2a. Hello sir. हेलो हेलो सर हाँ एक सेकंड जस्ट अ मिनट आई थिंक इट डिस्कनेक्ट हो गया पता नहीं कैसे ओके अभी ओके है ना यस सर सो ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 30 हाँ Now what is the formula? X is equal to minus b plus minus x minus square root b square, square minus 4ac upon 2a. Yeah. So put these values in this formula. B is 1, so this will be minus 1. Minus yes or no? 1. Under root of what is 1 square? 1. 1 minus. Okay. Now carefully put the values. 4a is 1 and 1 c is minus 30. Minus 30. Done. Upon 2 into 1. Now, yes. What is minus 4 into minus 30? 120. Plus 1? Plus 120. Arre, nahin. 120 plus 1. 121. 121. And square root of 121? 11. Upon 2 into 1? 2. Okay. So first use plus sign and second use minus sign. Now tell me minus 1 plus 11? Plus 10. Plus 10. Upon 2? Yes. Like 5. 5. And now use minus sign. What is minus 1 minus 11? Minus 12 upon 6. Upon minus 2? 6. Minus 6. Same answers. Yes or no? Yes. Yes. ठीक है.
but sight cannot be negative. Sir, negative. Sir, I have a question. Just a minute. Only acceptable x is equal to 5 because sight cannot be negative. हाँ बोलो क्या question है बताओ. Sir, while using the formula, at first we have only the values of x are not given. So instead of writing 0, we just write 1 or. Again, you can use both the methods. You can use this method or this method. Both will give you the same values finally. Yes, sir. But then how did we know what is A, B and C? C is minus 30. Haan, C is minus 30. A is coefficient of x square. This is A. Okay. So what is this? That should be plus 1. Haan. And B is also 1. 1. Okay. यार आप लोग नोट्स रिवाइज करते हो ना? यस सर. करना चाहिए आप लोगों को नोट्स एंड वीडियो लेक्चर दोनों रिवाइज करना चाहिए. आप लोग समझो यार अभी है ना, तभी कॉन्फिडेंस आएगा वरना नहीं आएगा. लाइक इस पे हम लोगों ने मोर देन मुझे लगता है 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हम लोगों ने टोटल इस फॉर्मूले पे बेस्ड और इस तरीके से. तो सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है. सर हाँ बोलो. द आंसर विल नॉट चेंज इन बोथ द मेथड्स. Answer will be same. Answer will be same using both the methods. Haan. Any doubt? No sir. No sir. ठीक है. So first question was value of x and second question was perimeter. Perimeter is total boundary. Like this is x. This is also x. This is also x. This is under root x. And this is also under root x. One more thing, this is not the boundary. Understood? Yes, sir. Huh. So total x are? Sir, 4x. No, 3x plus 3 under root x. Huh. So total perimeter is 3x plus 3 under root of x. So you can take common x plus root x. Yes or no? Yes. So answer is 3 times 5 plus root 5. Huh, this is the final answer. Any doubt? Can you show me that diagram again? Sure, no problem. Now you can note down this expression. Haan, bolo. Sir, what about that area then? About which area? Between x and root x. X and root x. That vertical line. Yes. Sir. अच्छा okay. Done. It will be x minus root x. No. Yes. बिल्कुल correct. ये भी boundary है. Exactly. Very good. X very good. X minus root x. 100%. Very good. यार ये सिली mistake हमसे नहीं हमें नहीं करना चाहिए. बिल्कुल correct है. आपका नाम क्या बेटे? अनुष्का. अनुष्का वेरी गुड करेक्ट है. सो टोटल बाउंड्री एक्चुअली ये भी आएगा यहाँ पे. ठीक है. नाउ 3x प्लस x 4x हाँ एंड 3 रूट x माइनस रूट x 2 रूट x सो दिस विल बी 20 प्लस 2 रूट 5 हाँ वेरी गुड यार बिल्कुल करेक्ट. Be careful. Okay. अच्छा ठीक है ये नोट करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये नोट करो नेक्स्ट क्वेश्चन. सर आई हैव अ डाउट. बोलो क्या डाउट है. x माइनस रूट x क्या बोल रहे हो फिर से बोलो. देर
the last boundary. Huh. X minus root x you took there, no? So, x minus root x will be there. Why only minus root x? तुम बताओ फिर क्या करना चाहिए यहाँ पे, तुम बोलो. What should be there? Tell. Sir, there cannot be anything else because that boundary is shared by two squares, right? Okay, definitely, na. This total portion is x, and this is root x. So this is x minus root x, na? Yes, sir. Okay. ठीक है, तो इसमें तो doubt होना नहीं चाहिए आप लोगों को. Okay, sir. Now note down this. We will solve next question. Note down this question. Then we can move on the next question. Okay, sir, noted. Can you tell it down? Huh, no problem. Sir, can't it be 22 root 5? No, not possible. Like, बेटा ऐसा नहीं होता है, तुम समझो थोड़ा. Like 22 and 2 root 5, these are different type of numbers. You cannot write this 22 root 5. But if the expression is this, understood? Yes, sir. Then you can write 22 into root 5. Now this is 20 separate and 2 root 5, this is separate. Understood? Yes, sir. Okay. Like 2 apples plus 3 bananas. This can be added, kya bolo? No, sir. No, sir. Definitely. Noted? Yes, sir. Yes. So, moving on to the next question. Start kare? Yes, sir. Okay. Next question is, in a group of children, each child gives a gift to every other child. To every other child. If total gifts are 132, then find total number of children. This is the question. ये question आप लोग try करो. There are some children and
जितने भी लोग हैं वहां पे वो सब गिफ्ट्स देते हैं अदर चिल्ड्रंस को एंड टोटल गिफ्ट्स आर 132 देन यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रेजेंट देयर दिस इज द क्वेश्चन So did anyone get the answer? Sir, I. हाँ बोलो what is the answer here? Sir, 12 or minus 11. It is minus 11. Minus 11 will not be there. हाँ ऐसा होता है कि total number of children minus 11. No sir, I just told according to that equation. Equation okay. So answer will be 12. Correct answer है. Any other? Viraj? Yes, sir. Any answer? Sir, I'm solving. One second. Okay, Viraj, can you share your thought in this question? Sir, actually, what you are thinking about? Hello? Sir, so first of all, we can take that if every child gives one gift to every other child, then it can be X. It can be X. What is X? X is the gift. So then, X is the gift थोड़ी होता है वो तो हर वन गिफ्ट ही दे रहे हैं ना ओके बेटा गिफ्ट तो फिक्स है ना वन गिफ्ट देना है आपको ऐसा नहीं है कि हाउ मेनी गिफ्ट्स ऐसा नहीं है सर गिफ्ट कैन आई टेल सो सर X विल बी द चाइल्ड ठीक है जस्ट अ मिनट टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर लेट्स से X ठीक है देन आगे बताओ सो देन हाँ maybe if there is no repetition of giving gifts then it can be x divided by 2 नहीं यार ऐसा नहीं होता सर x into x minus 1 100% actually total gifts will be x into x minus 1 now who will explain this x into x minus 1 12 is directly coming from 32.
ठीक है हर्षिता, ओके आई विल एक्सप्लेन। हर्षिता बोलो बोलो, हर्षिता और अनुष्का। सर अनुष्का। हाँ अनुष्का बताओ बोलो। सो इट इज एक्स इनटू एक्स माइनस वन, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अरे नहीं वो ठीक है, ये बताओ एक्स इनटू एक्स माइनस वन हाउ यू राइटिंग दिस सर? बिकॉज़ ईच वन विल ईच चाइल्ड विल गिव टू अदर चाइल्ड, सो ही विल नॉट गिव टू हिमसेल्फ। डेफिनेटली। सो इट विल बी एक्स इनटू एक्स माइनस वन। हाँ इस स्टेप में डाउट है किसी को बोलो इस स्टेप में। नो सर। डू एनीवन स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट इन दिस? सर कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस। यार ये एक्चुअली अपने माइंड से सोचना पड़ेगा आपको तो बेटर है, क्लियरिफाई होगा ये। लाइक सपोज करो देयर आर थ्री चिल्ड्रन, लेट्स से P1 C1 C2 C3। ठीक है अभी ये गिफ्ट देता है C2 एंड C3, तो टू गिफ्ट्स, यस और नो? यस। नाउ C2 विल बी गिविंग टू C1 एंड C3, नाउ टू, यस और नो? यस। एंड C3 विल गिव टू C1 एंड C2 अगेन टू गिफ्ट्स। तो बेटा बेसिकली C1 ने टू गिफ्ट्स कंट्रीब्यूट किए हैं, C2 ने भी टू गिफ्ट्स कंट्रीब्यूट किए, C3 ने भी टू गिफ्ट्स कंट्रीब्यूट किए, एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर थ्री, तो थ्री चिल्ड्रन और हर किसी ने कितने गिफ्ट्स कंट्रीब्यूट किए बोलो? टू। सिमिलरली देयर आर एक्स चिल्ड्रन एंड ई चिल्ड्रन विल बी कंट्रीब्यूटिंग या विल बी गिविंग हाउ मेनी गिफ्ट्स टोटल? एक्स माइनस वन। यस। सो टोटल गिफ्ट्स विल बी एक्स इनटू कोई डाउट है तो बोलो या डिस्कस करते हैं हम लोग, बताओ डिस्कस करना है कुछ यहाँ पे? नो सर नो डाउट। ठीक है सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। Two trains leave a railway station. ठीक है क्वेश्चन नोट करो साथ में। टू ट्रेन्स, अच्छा मैं शीट भी शेयर करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक एंड फैक्टराइजेशन का आफ्टर लेक्चर, तो आप लोगों को दोनों शीट सॉल्व करने है और नेक्स्ट टर्म पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके पीडीएफ छोड़ो। ठीक है सो क्वेश्चन इज टू ट्रेन्स लीव अ रेलवे स्टेशन एट द सेम टाइम, लेट्स से ट्रेन्स आर ए एंड बी, ए मूव्स ऑन द वेस्ट and B moves due, let's say north. ठीक है A moves 5 km/h faster than B if after 2 hours both A and B are 50 km apart from each other, find out
their speed. ये क्वेश्चन है. Two trains A and B leave at the station at the same time. A moves due west, west के side move कर रहा है, and B moves due north. ये north side move कर रहा है. If A moves 5 km per hour faster than B, okay, let's say B का speed है x, then speed of A will be. X plus 5, understood? If speed of B is let's say x, then speed of A will be higher, bolo, x plus 5. Okay, if after 2 hours both A and B are 50 km apart from each other, then we have to determine their speed. Okay, discuss karte hain question. Pehla bhi note karna hai. स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. अच्छा, कैन यू मेक द डायग्राम? हाँ बोलो सर. सो फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है सर. सो फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव मल्टीपल वेरिएबल्स, सो देन वी कैन नॉट यूज द फॉर्मूला, और इज इट दैट वी कैन यूज द फॉर्मूला? बेटा रुको एक मिनट के लिए, कुछ स्टार्ट तो करने दो पहले क्वेश्चन को. ओके ओके. हाँ रुको, अभी रुको, पता लगेगा कि मल्टीपल वेरिएबल्स हैं या नहीं है. रुको एक मिनट. लेट्स से रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, ठीक है. अच्छा ये पता है ना आप लोगों को, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, ये है नॉर्थ एंड दिस इज. यस सर. ठीक है, तो ए इज मूविंग ड्यू वेस्ट एंड बी इज मूविंग ड्यू नॉर्थ. आफ्टर 2 hours दे आर 50 किलोमीटर अपार्ट. Any doubt? No, sir. ठीक है. Okay. Let's see speed of B is x. So speed of A is clearly x plus five. हाँ. And ये आपको पता है ना, distance is equal to speed into time. ठीक है. So clearly. This distance will be follow x. How much? X. बताओ distance कितना आने वाला है? बेटे time given है ना आपको after 2 hours. Limit पर so 2.5. अरे यार नहीं, 2x, 2 into x. Yes, 2x. नहीं हुआ क्लियर? हाँ, एंड दिस डिस्टेंस विल बी 2x plus 5. 2 times x plus 5, not 2x plus 5. Any doubt? No, sir. Sir, why 2? Because बेटा टाइम गिवन है ना आपको 2 hours, तो टाइम मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्या? Okay sir, I thought distance. नहीं ये स्पीड है, this is speed. हमें स्पीड डिटरमाइन करना है ना? Yes sir. So distance is speed into time. तो मल्टीप्लाई करना होगा आपको with 2. सपोज करो आफ्टर 3 hours होता, then we will multiply with 3. हाँ. इस डायग्राम में कोई डाउट है किसी को? बोलो. नो सर. दिस एंगल विल बी 90 डिग्री. यस सर. सर आई हैव वन डाउट. हां बोलो सर. वी कैन आल्सो राइट 2x प्लस
2 into x plus 5 as 2x plus 10, right? 100%, no problem, without any problem. Yes, because... अच्छा ये क्लियर है अभी. दिस इज विच टाइप ऑफ ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल. हाँ इसमें कोई डाउट है बोलो. नो सर. अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल में की स्पेशलिटी होती है राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अलावा क्या स्पेशलिटी होता है बोलो? हाइपोटेनस. नहीं वो तो है. पाइथागोरस ट्रिपलेट सुना है आप लोगों ने? पाइथागोरस. हाइपोटेनियस स्क्वायर. एक्चुअली क्या होता है ना, हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में. इसमें कोई डाउट है आपको बोलो? No, sir. No, sir. The same way you can write, suppose ye hai A, ye hai B, let's say this is C. So you can write what batao? AC square plus BC. BC square is equal to AB square. AB square. Isme koi doubt hai? No, sir. Nahi. What is AC? 2 times x plus 5 whole square. What is BC? 2x whole. And what is AB? 2x. 50. 50. Any doubt? Meter. No. ठीक है. अब इसको ओपन करते हैं. 2 square is? 4. And this is x plus 5 whole square. Yes or no? Yes. 2 square is? 4. And x square is x square. Yes. What is 50 square? 2500. 250. Any doubt? No, sir. You can easily take 4 common. Yes or no? Yeah. Yeah. Now remaining is x plus 5 whole square and x square is equal to? 2500. 2500. Now cancel. 4, 6, 4. Then 10, 4, 2, 8, then 20, 4, 5, 0. 625. Exactly. Now, what is A plus B whole square? A square plus 2AB plus B square. What is 2 into x into 5? 10x. Plus 25 plus x square is equal to? X square plus x square? 2x square. 10x. 625 take on the left side. Minus 625. Now 25 minus 625. Sir, how read minus 600? Is equal to? 0. Any doubt? No. No, sir. How did you change 10x? एक सेकंड क्या बोल रहे हो फिर से बोलो. So how did it came 10x? We multiplied 5 with. What is a plus b whole square? A minus b square. A square plus 2ab plus b square. Yes. In the same way, x plus 5 whole square. A square plus 2ab plus b square. 5 square. ठीक है. So what is 5 into 2? 10. Into x, yani 10x. 10x. And 5 square? 25. X square is x square. Clear? Yes, sir. Okay. Now इसको simplify करते हैं. Take 2 common. Remaining? X square plus? 5x minus 300 is equal to 0. What is 0 upon 2? 0. And now we are getting this. अब यहाँ पे आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो.
or you can use the formula. Understood? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये solve करो and tell me the value of x. Now solve this and find the value of x. Just a minute. Now solve this and find out the value. Now solve this and find the value of x. Sir, plus 20x minus 5x. 20 and 15 आ सकता है, because multiplication we need is minus 300, so you can write 20x minus 15x. हाँ, because 20 into 15 is 300, or you can use the formula also, ना, without any problem, you will get the same answers. X common, remaining is x plus 20. ठीक है, now here we can write x plus 20 and this will be, बोलो कितना आएगा यहाँ पे बताओ? Minus 15. Minus 15. Plus 2, 0. Now we take common x plus 20, remaining is x minus 15 is equal to 0. Either this is 0 or this is 0. X is equal to 15. 15. Or x is equal to? Minus 20. But speed cannot be? Negative. So x is equal to? 15. So speed of train B kitna hai bolo? 15 kilometer per hour. Haan. And speed of train A? 20 kilometer per hour. Any doubt? No, sir. यार मैं एक चीज फिर से तुम लोगों को सजेस्ट करता हूँ, आफ्टर लेक्चर नोट्स एंड वीडियो लेक्चर ये दोनों आप लोगों को रिवाइज करना चाहिए, अदरवाइज इम्प्रूवमेंट नहीं होगा. ठीक है, ये नोट करो. अभी कोई भी डाउट है डिस्कस करते हैं. ठीक है, ये पहले नोट करो. सर. हाँ बोलो. Sir, can you just show me the final answer? I cross-check it with my answer. Final answer is 15. X is equal to 15. So, speed of train B is 15 and speed of train A is 20. Okay. Huh. Can you take little bit up? Sure, Betty, no problem. देखो, mathematics is a subject of discussion. जितना ज्यादा आप discuss करोगे ना, जितना ज्यादा thought share करोगे, उतना ज्यादा improvement होता है. ठीक है, और हम लोग यार ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग डांटते नहीं है बच्चों को कभी. तुमने देखा है कभी मैंने डांटा हो आप लोग को? आपने कोई डाउट पूछा मैंने डांटा है, ऐसा कुछ हुआ है कभी? नो सर. नो सर. डिस्कस करो चीजों को. द ओनली थिंग आई वांट या ओनली माय एक्सपेक्टेशन इज डिस्कशन. जितना ज्यादा डिस्कस करोगे उतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, और ये सब चीजें टफ नहीं होती है, काफी इजी चीजें हैं सर. बस थोड़ा रीड करके आया करो, एक बार लेक्चर गो थ्रू करके आया करो. अभी काफी लोग ए प्लस बी होल स्क्वायर पूछ रहे हैं,
तो ये सब अच्छी बातें नहीं है बेटे, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं फंडामेंटल्स में। Just a minute. Sir, can you do with the formula method also once? You try. You should try. You should try. बेटे मैंने 100 टाइम्स बोल दिया है, सेम ही आंसर्स आते हैं। तुम कहो तो मैं एक बार और बोलता हूँ, बताऊँ 101 हो जाएगा। करना है क्या, बोलना है मेरे को? No, sir. हाँ, सेम आंसर्स आते हैं। और मैं क्या मतलब ऐसा करता हूँ, एक स्टैम्प पे लिख के देता हूँ तुम लोगों को, चलता है फिर? ऐसा नहीं है, सेम आंसर्स आते हैं। ठीक है, नोटेड? नो सर। सर आई गॉट अ लिटिल डिफरेंट आंसर। आई यूज द फॉर्मूला सर एंड आई गॉट अ लिटिल डिफरेंट आंसर। इसका मतलब तुम्हारा कैलकुलेशन रॉन्ग है, कैलकुलेशन करेक्ट करो अपना। ओके। हाँ नोटेड? यस सर। ठीक है, यस सर। ये नोट जस्ट आ मैं कुछ पेज कॉपी कर लेता हूँ। नोटेड? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल इज फैक्टराइज। अच्छा, क्वाड्रेटिक कंप्लीट अभी है ना, क्वाड्रेटिक कंप्लीट। वैसे क्वाड्रेटिक काफी लेंथी नहीं बोलना चाहिए मेरे को, और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें, लेकिन अभी 8th क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, x स्क्वायर माइनस 5x इनटू x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 20 प्लस 84, you have to factorize this expression. X square minus 5x into x square minus 5x minus 20 plus 84, we have to factorize this expression. A question noted? No. Yes. So this is very simple question actually. What we have to do is, you can see this is x square minus 5x and this is also x square minus 5x. So we can replace this x square minus 5x without any term like t. Okay. Now this expression is t into t minus 20 plus 84. Isme koi doubt hai? Now what is the reason behind ये जो हम लोगों ने t put किया है, तुम खुद बताओ। This expression और this expression, convenient expression कौन सा है, first or second? Second. Okay. So this is the reason only. Now you can write t square minus 20t plus 84. Any doubt? No. And using middle term, we can write multiplication should be 84 here. What you will write, Guru? We have to break 20 such that multiplication should be 84. What should we write? Like 16 4 ja 64, 15 5 ja 75, and 14 6 ja 84. यार आप लोगों को टेबल्स आते हैं ना 20 तक? यस सर। तो हो जाएगा इजीली, 14 6 84 ही होता है। नाउ यू कैन टेक t कॉमन एंड दिस इज t माइनस 24
Here we will write t minus 24, and this number should be 6 minus 6. ठीक है. Now in the next step we can write t minus 24 into t minus 6. Now what is t? T is equal to 14. अरे नहीं बेटा रुक जा एक मिनट. रूट्स फाइंड नहीं करना है आपको, रुको फैक्टराइज करना है. व्हाट इज टी? एक्स स्क्वायर माइनस 5 है. हाँ सो वापस ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे इस जगह. एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6. एनी डाउट? नो सर. Now again using splitting the middle term, इसको further factorize करो, बताओ क्या answer आ रहा है. Factors बताने आपको, not value of x. Tell me the factors. बताओ क्या आने वाला है. So x square minus 5x minus 14. Or x minus 7 into x plus 2. X correct. Minus 3 into x minus 2. Wrong. ठीक से बताओ. बेटा this is not plus 6. This is minus 6. So we should sir, write. X minus 2 into x plus 3. रॉन्ग है, अभी भी रॉन्ग है. ठीक से बताओ. अगेन कल यार तुम लोगों का टेस्ट है, आप लोगों को पता है ना. यस सर. हाँ और उसमें यही सब आने वाला है. कंप्लीट फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन के अंदर कंप्लीट फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक के भी फैक्टराइजेशन. तो प्लीज यार नोट्स एक बार रिवाइज कर लो सभी लोग. वीडियो लेक्चर्स रिवाइज कर लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोगों को. ठीक है सर. फिर मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है. 6 x + 1. हाँ अभी फैक्टर्स बदल. x - 6 x + 1. 100% ये आंसर करेक्ट है. तो टोटल 4 फैक्टर्स आ दिए. एनी डाउट? x - 7 x + 2 x - 6 x + 1. क्लियर? यस सर. यस सर. एनी डाउट? Sir, then how was 2 and 3 wrong, sir? Yeah, sir, I did with minus 2x minus 3x. Beta nahi aayega, tum. Ha, bolo, kya bata rahe ho tum? Sir, minus 5x can be splitted in minus 2x minus 3x. Beta, aisa nahi hota hai. Aap log iska care hi nahi kar rahe ho, iska matlab. Here multiplication is not 6. Multiplication is? -6. Ah, yes, sir. -6. Ha, and -2 into -3 is not -6. -2 into -3 is? +6. Everything, sab kuch aapko with sign calculate karna hota hai. Samajh rahe ho kuch? Yes, sir. Ha. To yaar, okay. Now note down this example and last example solve करते हैं. Sir, voice lag हो रही है. क्या बोल रहे हो? No sir, it is clear.
So instead of T, we can take an X. Your name? अरे आपका नाम क्या? नाम तो बोलो अपना. सर हर्षिता और मेरा हर्षिता. यस सर. हर्षा तुम्हारा फेवरेट अल्फाबेट क्या है बताओ. सर बोलो जल्दी बताओ. सर एच. एच तो एच ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ओके सर. हाँ आंसर विल बी सेम. आंसर में कोई चेंज ही नहीं है क्योंकि फाइनली आपको आंसर इन टर्म्स ऑफ एच नहीं बताना है. फाइनल आंसर तो इन टर्म्स ऑफ एक्स ही आने वाला है. अभी ओके है? आंसर में कोई चेंज आ रहा है बोलो. नो सर. ठीक है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि टी ही यूज करना है. कोई भी यूज कर सकते हैं यार, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होगा. इसमें कहीं और रिमेनिंग तो नहीं ना टी. ओके सर एच हो गया. ठीक है ओके क्लियर. यस सर. चलो लास्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज सिक्सटीन टाइम्स टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 24 फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स 2x प्लस y होल स्क्वायर. वी हैव टू फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन. ओके चलो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को. एक तो सपोज तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा लाइक दिस इज 2x माइनस y एंड दिस इज 2x प्लस y एंड दिस इज 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. अरे नहीं बेटा 4x स्क्वायर इज बेसिकली 2x प्लस y इनटू 2x माइनस y. हाँ ये पर्पस है. ठीक है सो बेसिकली डिफरेंट टर्म्स आर हियर. One is 2x minus y and other is 2x plus y. Let's say 2x minus y is कोई भी अल्फाबेट बताओ. एनी अल्फाबेट x a x यूज नहीं कर सकते ना. x यहाँ पे ऑलरेडी है. लेट्स से a s एंड 2x plus y is s बोल रहे हो क्या? yes चलो ऐसे उसका लेते. Now this expression will be 16a square minus 24a into s plus 9s square. Yes or no? Yes. Any doubt? No, sir. Okay. This is perfect square of 4a. And this is perfect square of 3s. 3s. Now carefully observe this expression. This is 2 into 4a into 3s. Ye clear hua? Yes. Because 4 into 3, 12 into 2, 24. Now tell me what is a square minus 2ab plus b square? A minus b whole square. Yaar, tum log kya bolte rehte ho? ठीक है कोई डाउट है इसमें बोलो. ठीक है सो दिस इज क्लियरली ए माइनस बी होल स्क्वायर. एनी डाउट? नाउ टेल मी व्हाट इज ए 2x प्लस y एंड व्हाट इज s? x माइनस y. So this expression is 4 into a, yani 8x plus 4y. Yes or no? Yes. And 3s will be 6x minus 3y. But because of minus sign, sign will get changed. So minus 6x plus 3y. Yes or no? Yes.
Now 8x minus 6x. 2x. And 4y plus 3y. Plus 7y. ये आ गया final answer. इसका मतलब both factors are 2x plus. Same actually. हाँ, both factors are 2x plus 7y. 2x plus 7y. Any doubt? No, sir. Okay, तो factorization complete. Next term पे start करेंगे हम लोग indices. काफी important है, काफी ज्यादा useful है, काफी ज्यादा easy है. Sir, can you take a little down after note the? Okay. You can note this. So what is that PTO? PTO का मतलब होता है please turn over. Sir, so can you also like go on the next page? हाँ वही मतलब है इसका please turn over. Like अभी question remaining है ना थोड़ा सा ये next page पे move कर क्या हो गया ये question. Okay sir. हाँ actually क्या होता था like board exams में सपोज करो कोई क्वेश्चन है और आप सॉल्व करते हो ठीक है यहाँ पे हाफ क्वेश्चन है और नेक्स्ट हाफ क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे तो जनरली क्या होता है एग्जामिनर को लगता है कि इसने केवल इतना ही क्वेश्चन सॉल्व किया है समझ रहे हो ना yes, तो वहां पे ऐसा इंडिकेट कर देते हैं प्लीज टर्न ओवर हाँ तो प्लीज रिमेनिंग सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे तो नेक्स्ट पेज पे भी थोड़ा वॉच आउट करो वहां पे ओके सर इसका आपको स्पेशल मीनिंग नहीं है ना विराज ये फॉर्मूला नहीं है पीटीओ ठीक है ओके सर ये पीटीओ यूज करके ये सारे आंसर सारे ऐसा नहीं है Sir, can you please show next page also? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Hello, friend. ठीक है नेक्स्ट टर्म पे मिलते हैं अगेन शीट अभी सेंड करता हूं मैं नोट्स के साथ में तो आपको दोनों शीट सॉल्व करना है फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन सेकंड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है ऑन द नेक्स्ट टर्म वी विल डिस्कस बोथ द शीट्स यस सर यस सर हेलो ओके बाय ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट बाय सर बाय थैंक यू सर बाय सर एंड हैव अ नाइस डे बाय सर